जल आपूर्ति परियोजना महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान राज्य स्तरीय परियोजना मोता शहर में एक साल से चल रही है। पूरे शहर में जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए सीमेंट कंक्रीट की सड़कें खोदी गई है, लेकिन खोदी गई सड़कों की अब तक मरम्मत नहीं की गई है। सड़कों पर फैले सीमेंट कंक्रीट के मलबे कारण दोपहिया वाहनों के फिसलने और बच्चों के घायल होने की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे शहर के नागरिकों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। उक्त योजना का कार्य संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी नांदेड़ को ठेका दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्य कोटेशन के अनुसार नहीं हो रहा है और अनियमित रूप से चल रहा है। जलापूर्ति पाइप की गहराई 1 मीटर तक होनी थी, लेकिन ठेकेदार ने लगभग 2 फीट तक की पाइप बिछा है। इस योजना के तहत फिल्टर प्लांट और पानी टंकी का काम चल रहा है। उक्त कार्य घटिया गुणवत्ता का है तथा सीमेंट कॉन्क्रीट के निर्माण में पानी नहीं डाले जाने से निर्माण कच्चा है। भविष्य में खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल काम बंद है। इस काम की निगरानी MGP महाराष्ट्र लाइफ अथॉरिटी कर रही है और MGP इसे नजरअंदाज कर रही है। मोता शहर वासियों की ओर से मांग है कि जल्द से जल्द बंद पड़े काम को शुरू कराकर जलापूर्ति योजना शुरू कराई जाए। धीमी गति, घटिया गुणवत्ता का काम और सरकारी धन की बर्बादी है। संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए गए पूरे कार्य की जाँच कर कंपनी और संबंधित अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग माजी नगर सेवक व गट नेते किशोर सांडे ने की है। NBC न्यूज के लिए मोता से अचल तिजारी की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले। कमिंस ब्रांच कुठली ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।